तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक घंटे में 2500 रुपया कमाने वाला बिजनेस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसी मशीन है जिससे आप एक घंटे में 2500 से ज़्यादा रुपया कमाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो का प्रोसेस, कैसे प्रोडक्शन निकाला जाता है और कौन सा चीज का प्रोडक्शन निकलता है और कैसे बिजनेस करना है। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मशीन क्या है और कैसे ये काम करती है। सबसे पहले तो मैं इसका कुछ मशीन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे होपर कहा जाता है। यहाँ पर आप सारा जो माल है आपको यहाँ पर डाल देना है, वो माल कन्वेयर के थ्रू यहाँ से चलते चलते वो माल यहाँ पर आएगा और यहाँ से वो कैटल फीड जो है, ये कैटल फीड पैलेट मेकिंग मशीन है जो कि हैवी ड्यूटी मशीन है। यहाँ पर वो मटेरियल ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये ऐड होने के बाद यहाँ से आपको प्रोडक्शन निकलेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रोडक्शन निकाला जाता है और आगे हम पूरा एक बिजनेस का गाइडलाइन आपको बताएंगे कैसे बिजनेस करना है। तो देखते रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो हैवी मशीन है जो कि पशुओं के लिए आहार बनाती है। दोस्तों आप देख सकते हो जो इसकी स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। और दोस्तों एक घंटे में ये 800 से एक टन तक का माल यहाँ पर निकाल के देती है। दोस्तों आप देख सकते हो जो स्पीड से यहाँ पर माल आ रहा है, ये माल आप प्रोडक्शन निकाल कर लाखों रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये है वो मशीन जिस मशीन के थ्रू आप पशु आहार बना पाएंगे और आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा, ये कन्वेयर है, यहाँ पर माल डाला जाता है और ये जो माल है यहाँ से निकलकर कन्वेयर के थ्रू यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो जो माल है वो माल यहाँ पर निकलकर यहाँ पर गिरता है और वन बाय वन पूरी जो प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से आपका मटेरियल निकलता जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट हैवी ड्यूटी मशीन बन जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन बनेगी। और दोस्तों आप अगर टनों में माल निकालना चाहते हैं और टनों में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों यही वो मशीन है जिसे लगाकर आप अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रोडक्शन चालू है और मात्र 2 या 3 मिनट में हमने ये पूरा टब यहाँ पर भर दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसे कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट मशीन फॉर पशु आहार। दोस्तों यहाँ पर आप गाय भैंस बकरी सभी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर आहार बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये मशीन देखकर, जहां पर आपने प्रोडक्शन निकाला और देखा किस प्रकार से पशु आहार बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों अभी हम यहाँ के जो इंजीनियर है, सिग्मा टेक के इंजीनियर, वो हमें ये पूरी मशीन समझाएंगे और बताएंगे कि ये मशीन कैसे चलती है और क्या इसका यूज होता है। तो सर जी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जी जी, थैंक यू। तो सर जी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बताइए कि ये क्या मशीन है, इसका कहाँ यूज़ होता है और इसमें से क्या क्या बिजनेस किया जा सकता है। सर जी हमारा जो सिग्मा टेक इंजीनियरिंग जो कंपनी है, उन्होंने जो मशीन लॉन्च किया हुआ है कि अगर आपको हैवी प्लांट बिठाना चाहते हो तो भी आप घर पे बिठा सकते हो, यानी कि हैवी ड्यूटी प्लांट के लिए है। अगर आपको दिन का एक घंटे का अगर प्रोडक्शन 800 से 1000 किलो प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए 10 HP वाला हमने हैवी ड्यूटी वाला मशीन निकाला है, कैटल फीड मशीन। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि ये मशीन हमने किस तरीके से चलाया और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन हमने निकाल दिया है और ये दोस्तों मात्र आधे मिनट में ये सारा प्रोडक्शन निकला है। तो दोस्तों सोचिए कि अगर आप एक घंटा चलाते हो तो कितना प्रोडक्शन निकलेगा। अगर एक दिन चलाता है तो 10 से 12 हज़ार KG यानी कि प्रोडक्शन निकाल सकता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है ये सिग्मा टेक की हाई क्वालिटी मशीन है जो कि एक दिन का इतना बड़ा प्रोडक्शन आपको निकाल के देती है। थोड़ा सा और समझते हैं मशीन का यूज़ क्या है और कहाँ कहाँ इस मशीन का यूज़ होता है। सर जी ये वाला जो हमारा जो मशीन है, लोग घर पे भी लोग बिठाते हैं, अपना कंपनी जैसा बना के अपना घर पे भी लोग बिठाते हैं। और दूसरे लोग जो है कि अगर उनके एरिया में कोई डेवलप नहीं है
अगर उनके यहाँ दूरी 50-100 किलोमीटर की दूरी पर से ये गाय भैंस का धान खरीदना पड़ता है, तो अगर मान के चलो अगर नियर बाय में अगर अपना प्लांट बिठा लिया तो वो सोच समझ कर वो लोग प्लांट बिठाते हैं और मार्केट में वो अच्छी क्वालिटी यानी कि अच्छी अगर अपनी ब्रांड से वो अपना जो दान वगैरह है गाय भैंस का वो अगर मार्केट में सेल कर सकता है। तो दोस्तों ये है पशु आहार बनाने का बिजनेस और यहाँ पर ये जो मशीन है ये पशु आहार बनाने में आपको मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं, जो इंजीनियर है वही हमें सारी सब चीजें बताएंगे इस मशीन के बारे में, इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सर जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट थोड़ा हमारे व्यूवर्स को दिखाइए जो कि प्रोडक्शन में निकला हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्शन निकल चुका है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो सर हैं वो आपको बताएं कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल होता है और क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है। सर जी ये वाला जो मशीन है हमारा जो कैटल फीड हैवी ड्यूटी वाला जो मशीन है सिग्माटेक इंजीनियरिंग का, तो उसमें क्या है कि ये जो पैलेट है डिफरेंट होता है, यानी कि जो मार्केट में 4 mm, 6 mm, 8 mm, 5 mm जो चलता है, 8 mm जो पैलेट जो है वो गाय भैंस के लिए खास करके है और दूसरा कि 6 mm वाला जो अभी हमने जो डेमो में अभी आपको निकाल के दिखाया वो 6 mm पैलेट है, अगर वो भेड़ बकरियाँ है बराबर अभी जो गाय भैंस भी खाते हैं लोग 6 mm और जो घोड़ा वगैरह जो है वो भी ये 6 mm वाला पैलेट खाते हैं। उसमें क्या है कि रेसिपी के ऊपर उनको किस तरह का रेसिपी बनाया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है, किस तरह का क्वालिटी वाला बनाना है पैलेट और उसी हिसाब से मार्केट में लोग सेल करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस मशीन के थ्रू आप सभी प्रकार के जो जानवर हैं जैसे घोड़ा हो गया, फिर आप देख लीजिए गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गए, ये सारे ही जानवर के लिए खाना बना के देती है ये मशीन। और दोस्तों अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल पाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मैं और भी जानूंगा इस मशीन का मेंटेनेंस क्या रहता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। सर जी इसका मेंटेनेंस की पहले तो मैं बात करूँ तो ये जो मशीन जब आप चलाते हो तो उसमें क्या है कि जब आपने रेसिपी बनाया है तो वो जो मॉइस्चर वाला होता है, जब आप ये अगर अपना प्रोडक्शन जब भी आप बंद करो यानी कि 1 घंटे में अगर काम बंद करके जाना है कोई 10 मिनट काम करने के लिए या कोई मिक्सिंग करने के लिए, तो क्या करना है कि आपको जो सूखा पाउडर है वो डाल दो मशीन के अंदर, तो क्या है डाई आपकी जो है साफ रह जाएगी, तो तुरंत अगर आप दूसरा मटेरियल यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। वरना क्या है कि अगर आपने मॉइस्चर वाला जो रेसिपी वाला मटेरियल डाल दिया है और अगर 1 घंटे के बाद अगर आप रुक लिया 10 मिनट उसके बाद चलाना चाहोगे तो फिर क्या है कि डाई ने अंदर वो जो अपना मटेरियल है वो एकदम सूख जाएगा तो फिर मटेरियल जो यहाँ से पास नहीं करेगा, तो इसलिए आप सूखा मटेरियल डाल दो, ये मेन चीज़ है बस। तो दोस्तों अगर आप मटेरियल जैसे चला रहे हैं तो आपको मशीन चलाने के बाद आपको सूखा मटेरियल डाल देना है ताकि ये मशीन उसे प्रोसेस करके क्लीन कर दे और उसके बाद आप मशीन बंद कर सकते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों जीरो मेंटेनेंस है, बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन है, आप इसे लगाकर काफ़ी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, अच्छा सर अगर हमें मशीन बाय करनी है तो किस प्राइस रेंज से स्टार्ट होता है। सर जी इसमें क्या है कि अगर पूरा प्लांट जो अगर क्लाइंट लेना चाहता है कि अगर ओनली फॉर मशीन लेना चाहता है बराबर, तो यानी कि अगर 1.5 लाख से लेकर अगर 8 लाख का प्लांट है बराबर कि लेकिन उसमें क्या क्या उसको चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस में, यानी कि उसको 1.5 लाख से लेकर वो 8 लाख तक जो चीज़ सामग्री है वो ले सकता है बराबर, लेकिन अगर उसको अगर कोई क्लाइंट जो है ओनली फॉर मशीन चाहिए, किसी के पास कन्वेयर है, किसी के पास हमने पहले वीडियो बनाया कि पोल्ट्री फार्म के लिए वो जो ग्राइंडिंग मशीन रखा हुआ है लेकिन उनका अच्छा खासा चला, अगर 2 साल के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं पैलेट बनाना चाहूँ बराबर, तो वो ओनली फॉर मशीन बाय करते हैं, तो इसलिए वो मशीन के ऊपर डिपेंड है कि उनको कौन सा आइटम चाहिए मशीन के। तो दोस्तों अगर शॉर्ट में कहें तो आप ये मशीन के अंदर जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, कन्वेयर लेना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप पूरा सेटअप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बाकी और भी चीज़ें जो टेक्निकल क्वेरीज हैं मैं और भी पूछ लेता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। अच्छा सर जी जो हमारे जो कस्टमर हैं या हमारे जो व्यूवर हैं अगर वो मशीन बाय करना चाहते हो तो इंडिया में कहाँ कहाँ सप्लाई आप देते हैं। सर जी हमारा जो पूरे इंडिया में जहाँ भी अगर वो जो जहाँ पे डिलीवरी चाहता है वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट के मार्फत भेजते हैं, लेकिन अगर ये जो मशीन के लिए अगर पूरा प्लांट बिठाना चाहता है तो वो जो क्लाइंट जो हमारे वो यहाँ पर हमारी कंपनी में विजिट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से ये किया जाता है, तो उनको हम जानकारी भी देते हैं और यहाँ से बुकिंग वगैरह करके
चले जाते हैं और हम ट्रांसपोर्ट में वो चीज़ भेज देते हैं। लेकिन किसी को यहाँ पर नहीं आना है और उनको ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे मंगवाना चाहता है तो भी हम यहाँ से भेज देते हैं और वीडियो कॉल मार्फत उनको समझा देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है और बहुत ही अपने लोगों के लिए मेहनत कर रही है और इसी प्रकार के रोजगार अपने लोगों को दे रही है। तो दोस्तों मैं कहूँगा ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और जानिए किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर देखते हैं कुछ नया। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।